दिस इज सेक्टर 146 नोएडा। ये नोएडा का मेट्रो स्टेशन है और जस्ट इसी के सामने यहाँ पर आ रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज सेक्टर 146 अल्ट्रा लग्जरी 3 BHK एंड 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स। और जो आप उस तरफ देख रहे हैं पीछे जो रोड चल रहा है दैट इज़ बेंगॉन एक्सप्रेसवे विच इज़ कनेक्टिंग ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा। इस साइड पे आप देख सकते हैं काम भी स्टार्ट हो चुका है। ये आपका बाउंड्री वॉल और डिगिंग का सारा काम चल रहा है यहाँ पर। तो आने वाले टाइम में दोस्तों नोएडा गुड़गांव को पीछे छोड़ सकता है क्या रियल इस्टेट के मामले में? तो बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग इसमें सोचेंगे, बहुत सारे लोग शायद मना करेंगे। लेकिन आप ये देखिए पिछले 5 सालों में हुआ क्या। 5 सालों में नोएडा जो गुड़गांव से काफ़ी पीछे था रियल इस्टेट में प्राइजेस के मामले में, वो एकदम गुड़गांव के बराबर आ गया है आज की डेट में। अगर आप गुड़गांव में जाते हैं तो 1.5 CR 1.7 CR में आपको प्रॉपर्टी मिलती है। सेम वे में आज की डेट में आपको यहाँ पर नोएडा में भी गोदरेज जब से आया था यहाँ पर आपका रेट 1.5 1.6 2 CR 2.5 CR तक जा चुका है। अब ये जो गोदरेज का नया प्रोजेक्ट है ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है नोएडा के लिए। बिकॉज ये 5 साल 4 साल में जब भी बन के तैयार होगा तब तक होगा क्या, यहाँ पर एयरपोर्ट का काफ़ी काम हो चुका है, काफ़ी काम चल रहा है, काफ़ी काम हो भी जाएगा। लेकिन रेट ये लोग जिस रेट पे लॉन्च कर रहे हैं 2.99 CR यानी करीबन 3 करोड़ रुपये ये लोग लेकर आ रहे हैं आपका 3 BHK अपार्टमेंट विच इज़ अराउंड 1800 square feet। तो आप ये सोचिए रेट किस तरीके से कितनी तेज़ी से नोएडा में आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज अभी तक क्या था कि नोएडा के पास एयरपोर्ट नहीं था और एयरपोर्ट ना होने की वजह से यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट नहीं था कॉरपोरेट्स का, यहाँ पर मिडिल सेगमेंट का मैनेजमेंट था। लेकिन आप बात करेंगे टॉप मैनेजमेंट की बात तो हमेशा गुड़गांव में वो पोजिशनिंग थी उनकी, बिकॉज एयरपोर्ट वहाँ से बहुत पास है तो उनका फॉरन ट्रेवल बहुत ईजिली वहाँ से मोबिलाइज होता है। तो सेम वे में जब यहाँ नोएडा में बनेगा, नोएडा में जेवर के पास बनेगा, तो यहाँ से जेवर की दूरी और नोएडा सिटी की दूरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बीच में आता है। इसी वजह से ये लोकेशन बहुत हॉटस्पॉट बनने वाली है और खासकर गोदरेज के साथ। गोदरेज के साथ ये टेंशन नहीं है कि गोदरेज बनाएगा या नहीं बनाएगा, गोदरेज पहले बनाएगा उसके बाद बेचेगा, बाकी डेवलपर क्या पहले चेक ले लेते हैं उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। तो गोदरेज के साथ लोगों का एक विश्वास बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है गोदरेज के साथ जो इनिशियल टाइम में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हें होने वाला है। तो अभी इसमें जो हम बात कर रहे हैं इसमें 3 साइजेज हैं हमारे पास, 1800 square feet का, 2500 का और 3250। तो ये जो स्टार्टिंग हो रही है 2.99 से लेके 5.7 CR तक है। अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं हम लोग और साथ में 10 लाख का एक चेक ले रहे हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी के नाम से चेक होगा। लॉन्चिंग होपफुली शायद 1st या 2nd week of June में हो जाएगी इसकी। अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, प्योर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, रहने के लिए भी देख रहे हैं, तो ये आने वाले टाइम में आप इसको 3 साल का उसमें टाइम होरिजन पकड़ के चलिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ये रिटर्न्स आपको बहुत सुपर्ब देने वाला है। अभी तक लोगों को विश्वास नहीं था लेकिन गोदरेज में जो रेस्पॉन्स आया पिछले 3 साल के अंदर नोएडा में, तो आप ये मान लीजिए अभी तक कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं था, अभी तक सिर्फ ट्रेलर था, अभी मूवी बाकी है और ये 4 से 5 साल में आपको बहुत हाईएस्ट रिटर्न देने वाली है प्रॉपर्टी दिल्ली NCR में। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर मैं खड़ा हूँ, ये एक्चुअल साइट है और एक्चुअल साइट में आप देख सकते हैं सामने जो आप देख रहे हैं पिलर्स लगे हुए हैं, दिस इज फॉर द सैंपल अपार्टमेंट। अभी मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं है, कोई भी डेवलपर ने कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया। आप देख सकते हैं सैंपल फ्लैट का काम स्टार्ट हो चुका है सैंपल फ्लैट के साथ में। और ये जो ब्रिक वर्क आप देख रहे हैं दिस इज फॉर द सेल्स ऑफिस, मार्केटिंग ऑफिस, जहाँ पे आके कस्टमर बैठेंगे, जहाँ पे बुकिंग कराएंगे, अपनी अलॉटमेंट लेंगे, ये भी वो ऑफिस है। तो गोदरेज का आप देख सकते हो सारा काम स्टार्ट हो चुका है, प्रोजेक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन मार्केट में नहीं है। बिकॉज गोदरेज को क्या है, जब बनाना है तो बनाना है, चाहे 1 फ्लैट बिकेगा चाहे 1000 फ्लैट बिकेंगे वो बना के खड़ा कर देगा। बिकॉज गोदरेज हो गया या और टाटा हो गया, ये सारे डेवलपर सिर्फ रियल स्टेट के भरोसे नहीं बैठे, इनका बहुत सारे बिजनेस हैं जहाँ से ये कैपिटल लाते हैं और रियल स्टेट में इंजेक्ट करते हैं। इसी वजह से इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। इनकी लोकेशन वाइज आप इन प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट देखिए आप, बहुत ही शानदार रहता है। गोदरेज के साथ लोगों का बहुत सालों से विश्वास जुड़ा हुआ है। तो सेम रीज़न है, आपको कभी भी साइट विजिट करनी हो आप मेरा नंबर इस वीडियो के साथ नीचे मैंने लिंक में दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम निकुंज है। इनिशियल बुकिंग के लिए हम लोग 10 लाख का चेक ले रहे हैं और EOI ले रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइम में आएगा, जो आप मान लीजिए इनिशियली 100 बुकिंग होती है या 200 बुकिंग होती है, उनको इनॉग्रल डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद सेकंड फेज में जो बुकिंग होगी डेट विल बी एट द हायर कॉस्ट। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं, तो आप इसको एक बार आप प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। अभी तक मार्केट में रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अगर आप बात करें NRI मार्केट की, UAE मार्केट, सिंगापुर मार्केट, वहाँ से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। बिकॉज वही लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं,
नोएडा में जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट किए हुए वो लोग काफी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, हमारे पास काफी ईओआईज कलेक्ट हो चुके हैं, काफी चेक आ चुके हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आई विल ब्रीफ यू द प्रोजेक्ट, हम लोग साइट भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत है अभी नोएडा में, देखिए आने वाले टाइम में क्या क्या होता है। ये वाले सेक्टर जो आज हमें लग रहा है बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, और कुछ टाइम बाद आपको ये लगेगा काश हम उस रेट पर ले लेते, बिकॉज यहाँ पर आने वाले टाइम में डीएलएफ हो गया, टाटा हो गया, और भी कुछ डेवलपर्स हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, वो सारे उनके लाइनअप हैं प्रोजेक्ट, वो आने वाले टाइम में लॉन्चेस आने वाले हैं। तो अगर आप इसका इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो आप 3 साल का मिनिमम टाइम होरिजन देखिएगा, और इस प्रॉपर्टी को आप बिल्कुल रिकमेंड करता हूं मैं, बिकॉज ये गोदरेज की प्रॉपर्टी है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट बनेगा नहीं बनेगा, लाइसेंस आएंगे नहीं आएंगे, सब कुछ बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होता है। कोई भी रिक्वायरमेंट हो मुझे फ़ोन ज़रूर करिएगा,